विच मीन्स जिसका मतलब है प्रेसाइज प्रेसाइज होना और एक्यूरेटली एक्सप्रेस्ड प्रेसाइज का मतलब है कि किसी चीज़ का बहुत एक्यूरेट होना उसमें एक इंचज का डिफरेंस भी ना होना कोई मिस्टेक ना होना उसे कहते हैं प्रेसाइज बिल्कुल ठीक होना बिल्कुल करेक्ट होना एक्यूरेट होना और, और क्या मतलब है इसका एक्यूरेटली एक्सप्रेस कोई ऐसी चीज़ जिसे बिल्कुल ठीक से डिफाइन किया जाए उसे क्या कहते हैं प्रेसी कहते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है ठीक है प्रेसी कैन बी डिफाइंड एज अ कंसाइज प्रेसी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है ये डेफिनेशन है प्रेसी की ठीक है प्रेसी कैन बी डिफाइंड एज अ कंसाइज कंसाइज का मतलब है किसी चीज कोई ऐसी चीज जिसको छोटा कर शॉर्ट कर दिया जाए लेकिन उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसे क्या कहते हैं कंसाइज फॉर्म ठीक है कंसाइज समरी प्रेसी एक ऐसी कंसाइज समरी होती है जिसमें ऑफ असेंशियल पॉइंट जिसमें सारे असेंशियल पॉइंट होते हैं स्टेटमेंट्स होती हैं और फैक्ट्स होते हैं एक हमें बहुत लेंथी पैराग्राफ दे दिया गया है ठीक है हमने क्या करना है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कंसाइज वे में लेकिन सारा मेन थीम उस छोटे पैराग्राफ में भी होना चाहिए जैसे उर्दू में हम लिखते हैं तलखीज़ ठीक है हमें एक लेंथी पैराग्राफ दे दिया जाता है लेकिन हम उस पैराग्राफ को बट मैनी टाइम्स वई रीड दिस पैराग्राफ हम उसको कर रीड करते हैं देन वी मेक अ प्रेसी और अ शॉर्ट शॉर्टर पैराग्राफ ठीक है हम एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाते हैं उसे कहते हैं प्रेसी या तलखीस इट मीन एन एब्सट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है एक आइडिया होता है एक मेन थीम होता है इट मीन एन एब्सट्रैक्ट और अ का मतलब होता है एक ओवरव्यू लेना एक थीम मेन पॉइंट ऑफ अ फर पैसेज प्रेसी क्या होती है एक आइडिया होता है एब्सट्रैक्ट होता है यहाँ फिर एक गिफ्ट होता है एक लॉन्गर पैराग्राफ का ठीक है एक लेंथी पैराग्राफ का या फिर एक डॉक्यूमेंट का दिस स्किल इज़ हेल्पफुल ये स्किल प्रेसी राइटिंग की स्किल कहाँ पे यूज होती है इज़ हेल्पफुल इन प्रपेयरिंग सिनॉपिस सिनाप्सिस का मतलब ये होता है किसी लेंथी डॉक्यूमेंट को किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करना तो हम इससे प्रपेयर कर सकते हैं सिनॉपसिस एबसट्रैक्ट्स यानी कि मेन थीम्स मेन आइडियाज एंड एग्जीक्यूटिव समरीज ये क्या होता है एक तो होता है ना लेंथी समरीज लेकिन कुछ होते हैं जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं मरकजी ख्याल ठीक है उसे क्या कहते हैं एग्जेकटिव समरीज यानी कि समरीज का हर मेन पॉइंट भी मरकजी ख्याल में होता है सम एग्जेक्टिव uh, समरीज में होता है ठीक है शॉर्ट समरीज भी हम कह सकते हैं द आर्ट ऑफ समराइजिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रेसी राइटिंग ठीक है प्रेसी में हम क्या करते हैं हमने सारा ऊपर से जो पढ़ा हमें यह समझ आई कि समराइज़ करते हैं एक चीज़ को यानी कि उसका खुलासा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ठीक है तो क्या कहा, कहा गया इस लाइन में द आर्ट ऑफ समराइजिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रेसी राइटिंग द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रेसी मस्ट नॉट एक्सीड प्रेसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वन थर्ड ठीक है वन थर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑरिजिनल पैसेज हमें जितना मर्जी लेंथी पैराग्राफ दिया जाए उसके हिसाब से जो हमारी प्रेसी है वो क्या होनी चाहिए एक तिहाई वन थर्ड ठीक है एक तिहाई होनी चाहिए अगर हमें एक पूरा पेज दे दिया गया है पैराग्राफ का तो उसकी प्रेसी कितनी होगी ऑलमोस्ट फोर टू फाइव लाइन्स की हम उसकी प्रेसी लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमें इसकी लेंथ बताई गई है कि ऑलमोस्ट जो बेस्ट प्रेसी है उसमें कैसी उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए ठीक है सो लेट सी सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी राइटिंग तो ये कुछ क्वालिटीज है उसकी जो के हर प्रेसी में होनी चाहिए द फर्स्ट इज कम्प्लीटलीनेस ठीक है अब ये क्या है हमें एक पैराग्राफ दे दिया गया ठीक है उसमें एक मेन कंप्लीट पॉइंट बता दिया गया समझ लें पैराग्राफ लिखा गया है किसी पेशेंस पे लिखा गया है ठीक है सबर उस पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स दी गई होंगी मेन डेफिनेशन सबसे पहले पेशेंट्स की लिखी होगी कि पेशेंट्स क्या है वेट करना किसी चीज़ के लिए टू कंट्रोल आर सेल्फ़ अपने अपने सेल्फ पे कंट्रोल रखना ये सारा कुछ ठीक है लेकिन जब हम उसकी प्रेसी लिखेंगे तो उसमें हम एग्ज़ाम्पल्स वगैरह ऐड नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम हम एक डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में उससे ऐसे लिखेंगे कि ना हमारा जो आइडिया है वो भी कंप्लीट हो जो एक इतने बड़े लेंथी पैराग्राफ में डिफ़ाइन किया गया है वो सारा आइडिया हमारे शॉर्ट पैराग्राफ में भी हो लेकिन हमारा शॉर्ट पैराग्राफ लेंथी ना हो ठीक है उसे क्या कहते हैं कंप्लीटलीनेस द नेक्स्ट वन इज कम्पैक्टनेस जैसे हमने पढ़ा कि हमें प्रेसिदी ही क्यों जाती है शॉर्ट करने के लिए एक लेंथी पैराग्राफ को एक मेन लेंथी आइडिया को शॉर्टर वे में डिफाइन करना उसे क्या कहते हैं कंपेक्ट कर देना एक चीज को छोटा कर देना ठीक है लेकिन आइडियाज उसमें सारे होने चाहिए द थर्ड वन इज कंसाइजनेस कंसाइजनेस में क्या किया जाता है कंसाइजनेस में से उसमें से हम कोई भी फ्रेज ऐड नहीं करते रियल पैराग्राफ में हमें कोई फ्रेज़ दी जाती है कोई सेमिलीप मेटाफर कुछ भी कोई लिटरेरी डिवाइस कोई एग्जांपल उन सब को निकाल के ओनली मेन पॉइंट्स हम ऐड करते हैं प्रेसी में और उसमें हम किसी वर्ड को रिपीट नहीं करते सिनोनिम्स यूज़ नहीं करते तो वो क्या हो जाता है कंसाइज वे में एक आइडिया डिफाइन हो जाता है ठीक है द फोर्थ वन इज़ क्लैरिटी अब ये नहीं है कि आप प्रेसी लिख रहे हैं आप अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए अपनी तरफ से बहुत ही टफ टफ उसमें सेनोनिम ऐड कर दें वर्डिंग तो हमने चेंज करनी है लेकिन आप इजी सिनोनिम भी यूज कर सकते हैं ना तो आपने अपनी लाइंस को ऐसे लिखना है कि उसमें क्लैरिटी हो जब एग्जामिनर आपकी प्रेसी या फिर आप क्वेश्चन चेक करें तो उसे आइडिया हो कि हाँ हाँ इस इंसान को इस स्टूडेंट को सारे वो वो वेज पता है वो क्वालिटीज़ पता है जो एक गुड प्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो क्लैरिटी आपके पैराग्राफ में होनी चाहिए ये नहीं कि आपने अचानक से एक स्टार्ट वाली लाइन लिख दी है और उसके साथ आप कोई सिनोनिम टफ़ यूज़ कर रहे हैं कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए क्लियर होना चाहिए कि आपने ये प्रेसी लिखा है आपने एक लेंथी पैराग्राफ को शोल्टर वे में बिल्कुल क्लियर डिफाइन किया है अपने आइडियाज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं बना देना ठीक है द लास्ट वन इज़ कोहेरेंस ठीक है ये बहुत ज़रूरी है जब हमने कंजंक्शंस पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि कंजंक्शंस क्यों यूज़ होते हैं हमारे पैराग्राफ में एक फ़्लो वो सेंटेंस को अटैच करते हैं ना तो हमारी लाइंस में एक फ़्लो आ जाता है आई एम दिस बट आई एम डू दिस आई डू जो भी है तो उसमें ये जो बट है इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो कोहेरेंट जो है कोहै कोहैरेंट क्रिएट करते हैं हमारी लाइंस में ठीक है तो हमारी लाइंस में कोहेरेंस होनी चाहिए ये नहीं कि हमने स्टार्ट वाली लाइन लिखी और दैन लास्ट पे ज़्यादा ही शॉर्ट करने के लिए एंड वाली लिख दी कोई आइडिया ही ना मिले ऐसे नहीं होना चाहिए सेंटर में से भी अपना मेन आइडिया को लाइन वाइज डिफाइन करें लाइन line... कोहेरेंस का मतलब है लाइन्स मिलती हूँ एकदम से अपना आइडिया चेंज ना कर लें ठीक है लेट सी सम डिसएडवांटेजेस या फिर कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो हमारे प्रसी को ख़राब करते हैं ठीक है थीके? तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने अवॉइड करनी है अपनी प्रेसी में यूज़ नहीं करनी अवॉइड योर ओन कमेंट्स ठीक है अपने कमेंट्स को अपने आइडियाज़ को ऐड नहीं करना हमने एग्जांपल्स ऐड नहीं करनी हमें ये नहीं कहना आई थिंक अबाउट दिस माय ओपिनियन इन माय ओपिनियन ऐसा कुछ नहीं कहना ठीक है अपने कमेंट्स ऐड नहीं करने अवॉइड बोरिंग सेंटेंसेज फ्रॉम ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वर्डिंग आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए आपने ओरिजिनल पैराग्राफ में से कंप्लीट लाइन उठा कर लिख देनी ठीक है ना अवॉइड द वर्ड पॉइंट्स पैराग्राफ बनाने की पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है बस एक शॉर्ट पैराग्राफ में प्रेस ही लिख दी जाती है सी दैट योर सेंटेंस डोंट लेक यूनिटी जैसे अभी हमने पढ़ा यूनिटी होनी चाहिए कोहेरेंस ठीक है हमारे जो सेंटेंस है वो आपस में मैच करने चाहिए एकदम से आइडिया कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाना चाहिए द लास्ट वन इज ये जो हमने पॉइंट द लास्ट पॉइंट इज अबाउट कंसाइजनेस जो हमने कंसाइजनेस में पढ़ा कि मेटाफर्स एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेशन का मतलब है डिफाइन करना illustration, ये ये सब कुछ प्रेसी में यूज ना करें ठीक है ये एक पिक्चर मैंने अटैच की है इसमें क्या है फाइव वो चीजें जो डोंट ऑफ प्रेसी राइटिंग जो कि प्रेसी राइटिंग में नहीं होनी चाहिए ठीक है आप खुद भी रीड कर सकते हैं ये भी बिल्कुल वही है जो हमने अवॉइड करनी है कि हमने कॉपी नहीं करना ऑरिजनल टेक्स्ट को हमने इसमें रॉन्ग फैक्ट या फिगर खुद से एग्जाम्पल अटैच नहीं करनी कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना उसको हमने टफ नहीं बनाना क्लियर करना है डोंट राइट फर्स्ट पर्सन जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपने ओपिनियन आई थिंक दिस वी ये ये सब कुछ ऐड नहीं करना डोंट मैंशन एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई एग्जाम्पल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वट इज़ प्रेसी बट इफ़ यू हैव एन क्वेश्चन सो प्लीज़ आस्क मी Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel. Allah